नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने व चांदी के दाम में क्या बदलाव देखने को मिला है। जानेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार आज का सोने का ताज़ा दाम। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज सोने व चांदी के ताज़ा और सटीक और सही दाम की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, बात करें सोने व चांदी के दाम की, तो सोने और चांदी के दाम में काफी लंबे समय से उतार चढ़ाव जारी है और एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में सोने चांदी के दाम में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए तो अपने बात करते हैं आज के सोने चांदी के दाम की। सबसे पहले जानते हैं चांदी का आज का ताजा दाम। तो चांदी का दाम कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, 1 ग्राम का 63.40 रुपए, 8 ग्राम का 507.20 रुपए, 10 ग्राम का 634 रुपए, 100 ग्राम का 6,340 रुपये और प्रति किलोग्राम के अनुसार 63,400 रुपये पर आज चांदी का दाम चल रहा है। दोस्तों, चांदी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से निचले स्तर पर चल रही है। वहीं बात करें सोने के दाम की, तो सोने के दाम कुछ इस प्रकार से है, 18 कैरेट के अनुसार आज का सोने का दाम 36,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के अनुसार चल रहा है। अगर आप चाहें तो 18 कैरेट के सोने के गहने भी बनवा सकते हैं, जिसमें सोने की मात्रा थोड़ी कम होती है और ये 22 और 23 कैरेट की तुलना में थोड़ा सस्ता भी होता है। बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने का आज का दाम, तो 1 ग्राम का 4,549 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,392 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,490 रुपये और प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,54,900 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम हो चुका है। वहीं दोस्तों, 24 कैरेट के अनुसार बात करें सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,860 रुपये, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 38,880 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 48,600 रुपये और प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,86,000 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि खीर भवानी मेला कहां पर मनाया जाता है। विकल्प है इसके जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा या गोवा। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है।